एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं मटन की एक और मज़ेदार डिश। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा बनती है ये मोस्टली। इसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अचारी। मटन अचारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। इसके लिए यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ये 5 टेबल स्पून ऑयल है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जीरा। इसे सॉटे करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। जीरे को हमें थोड़ा सा उसे लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अनियन, एक बड़ी अनियन, और इसको मैंने ऐसे स्मॉल चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट तक ब्राउन होने तक अनियन को भूनेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और अनियन का कलर चेंज ना हो जाए। चलिए, प्याज लाइट ब्राउन भी हो चुकी है और अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। ये मैंने हड्डी का गोश्त लिया है, तो आपको अगर सिर्फ बोनलेस पसंद है या फिर विद बोन्स पसंद है तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड करें। अब आप क्या करना है, हमें हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक हम कुक करेंगे, जब तक के मटन का थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और उसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जो अदरक लहसुन का फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसकी कच्ची गोभी चली जाएगी, तो आप इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनें। 3 to 4 मिनट हमने अच्छा भूना है गोश्त को। अब हम इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, साथ ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ उसके रेडिश कलर के लिए, ये भी 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड करें, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन्हें मसालों को हमें फिर से भूनना है, जब तक के मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए और तेल ऑयल अलग से सेपरेट ना हो जाए। मसाले भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, याद रहे टमाटर थोड़े रेडिश होने चाहिए, कच्चे टमाटर ना लें। और टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक कुक करेंगे, जब तक के टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। चलिए, 5 मिनट्स हो चुके हैं, टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं। अब थोड़ा हम इसे हाई फ्लेम पे मैश कर लेंगे टमाटर को। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये ऑलरेडी मैश हो चुके हैं, बस थोड़ा सा इसे ड्राई करेंगे। टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए आपको ग्रेवी में, और ना प्याज नजर आना चाहिए, अच्छे से इसे आप मैश कर लें। टमाटर अच्छे से हमने भून लिए हैं। ये ग्रेवी की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसके एंड में ऐड करेंगे, तो आप ऐसे भी एंड तक देखिए, वरना मटन अचारी का जो एक्चुअल फ्लेवर है वो आपको नहीं आएगा। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसे एंड में ऐड करते हैं। चलिए, अब मैं ऐड करूँगी 1 ग्लास पानी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे कुकर में ट्रांसफर करके 2 से 3 सीटी आने तक मटन गलने तक कुक कर सकते हैं और कम पानी ऐड करें, लेकिन जो ऐसे डिशेस का फ्लेवर आता है वो आप मटन को ऐसे ही लो फ्लेम पे अच्छे से
कुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, बस अब इसे कवर करेंगे और 40-45 मिनट्स लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 50 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। देखिए ग्रेवी अच्छे से ड्राई हो गई है और मटन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी मेन इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जो मटन अचारी की जान है। पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 3 हरी मिर्ची जिसे मैंने स्लिट कर लिया है इसे। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, या उससे भी कम डाले आप थोड़ा। और इसमें डालूंगी मैं अचार, ये आम का अचार है, देख सकते हैं आप, ये होममेड है। इसकी भी रेसिपी हम आगे चैनल पे डालेंगे। इसके 2 पीस डालेंगे आप और थोड़ा सा उसका मसाला ऐड करेंगे ताकि मटन अचारी में आपको अच्छे से अचार का फ्लेवर आए। सिर्फ 2 पीस ऐड करें क्वांटिटी के हिसाब से। और वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम ताकि अचार ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और 1-2 मिनट इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे और हरा धनिया डाल के इसे डिश आउट करेंगे। कलौंजी के बहुत फायदे हैं, मैं आपको इससे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप नहार पेट खाएं, देखिए इंशाल्लाह हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। या फिर आप उसे ऐसे ही चाप के पानी पी लें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। अब इसे हाफ लेट कवर करके ऐसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट्स हमने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। अब हम इसे फाइनल टच देने के लिए ऐड करेंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई कोथमीर ऐड करेंगे। और ये हमारा मटन अचारी रेडी हो गया है। जब आप इसमें आम के अचार के पीसेस ऐड करते हैं तभी इसका ओवरऑल फ्लेवर चेंज हो जाता है, अच्छी स्मेल भी आती है उससे और इसका टेस्ट और टेक्सचर भी रेडिश हो जाता है। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अचारी। अब हम इसे आपको डिश आउट करके बताएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अचारी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के साथ। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।